Now, the another method is now substitution. The meaning of substitution means either you have to make this equation in x, then you have to put the value of this x in this one, or you have to make the equation in y, then again you have to put again means या आप उसमें अगेन का मतलब दोबारा इसलिए कह रहा हूं या तो आप एक्स में बनाओ इसकी वैल्यू यहां रखोगे या वाई में बनाओ इसकी वैल्यू यहां रखो या आइदर दिस इक्वेशन इज मेड इन योर एक्स और वाई वट एवर यू योर डिजायर इज योर इंटरेस्ट इज देन कीप द वैल्यू इन द फर्स्ट एक से वैल्यू एक्स में निकालते हैं दूसरी में शिफ्ट करते हैं कहने का मतलब ये होता है आइदर इक्वेशन नंबर वन इज मेड with respect to x or y equation number को x या y में बनाओ then its value is kept a substitute in equation number two or same from equation number two कहने को इसकी वैल्यू x में बनाओ तो इसमें shift करो इसकी वैल्यू को y में बनाओ तो इसमें shift करो और ये जो सेम फॉर इक्वल या इसको एक्स में बनाओ इसमें शिफ्ट करो आपकी मर्जी वाई में बनाओ दिस इज डिपेंड अपॉन योर इजीनेस या योर कन्वेंसिस आपका जो भी आपको सरल लगता है इजी लगता है ठीक है ये हुआ सब्स्टिट्यूशन का मतलब अब आपका जो बनाओ जैसे तो 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दिस 2x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0 इसमें अब ये देख जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अभी तो मैं समझा रहा हूं जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कि मैं किसको इजीली आपका बनाऊं अब इसको अगर एक्स में बनाते हैं तो एक्स के साथ देखो आपका इतिहास योर कोफिशिएंट 3 अगर वाई में बनाते हैं तो वाई हैव आल्सो द कोफिशिएंट -5 यहां अगर इसको एक्स में बनाते हैं तो एक्स की आपका क्या हो जाएगा ये 2 कोफिशिएंट है जबकि वाई में देखो वाई में -1 है इसका मतलब इस इक्वेशन को इट इज ज्यादा इट इज मोर इजियर टू मेक इन वाई विद रिस्पेक्ट टू दिस वन तो देखो अब यहां पे लिख दीजिएगा आप जैसे मेकिंग इक्वेशन नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई इसको बना रहा हूं वाई में बना रहा हूं क्योंकि वाई क्यों इजी है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है जिसको आप लिखते नहीं है 1 को आप लिखते नहीं माइनस 1 वाई नहीं लिखा आपने खाली माइनस वाई लिखा अरे गड़ी मैं बोल सुना तो जैसे अब 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 OT का मतलब ऑन ट्रांसपोजिशन माइनस y जब उधर जाएगा तो क्यों होगा इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस y की जो वैल्यू है 2x प्लस 3 होगी तो देखो तो इसको आप ऐसे टर्न कर दीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इसको कहते हैं स्वैपिंग दिस इज नोन एज स्वैपिंग स्वैपिंग का मतलब लेफ्ट राइट में आता है राइट लेफ्ट में आपका जाता है लेकिन उनके साइन बिल्कुल एज इट इज रहते हैं क्योंकि माइनस माइनस वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस में आप समझ रहे इसका ये जो फंडा है देखो ये आपका अगर जैसे आप ये माइनस आपने 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई लिखा देगा ये वाई इधर आएगा तो ये देखो माइनस वाई हो जाएगा एंड व्हेन इट विल गो देखो माइनस 2x माइनस 3 हो गया देखो आपका 2 माइनस वाई इज माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो देखो आपका 2x प्लस 3 हो गया माइनस से माइनस का लॉस देखो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 तो स्वैपिंग में आपका ना दोनों आपका खाली ट्रांसमिट होते हैं एक से अगर y के ये कहां से आई वेयर फ्रॉम इट कम यहां से आई इट केम आपका ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से आता है ये यहां से आता है अब इसकी वैल्यू यहां शिफ्ट होगी अगर आप इसको बनाते हैं एक्स में भी बनाते हैं तो भी इसकी वैल्यू यहां शिफ्ट होगी इसको x में बनाएंगे इसमें शिफ्ट होगी इसको y में बनाएंगे इसमें शिफ्ट होगी इसको x में बनाएंगे इसमें शिफ्ट होगी इसको y में बनाएंगे इसमें शिफ्ट होगी इज इट क्लियर हिंदी में सारी चीजें क्लियर हो जाती है नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर अब यानी कि ये 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 एक हो सकता है यहां y की जगह में ये रखिए तो देखो दिस इज द 3x माइनस 5 इन प्लेस ऑफ y
you have to keep this 2x plus 3 and plus 1 equal to 0. 3x. Now, a monomial, a binomial. 3x. This. Minus plus ka minus 10. Or minus plus ka minus. So, 5 to 0. Sorry, multiply. Jee. Because monomial hai, binomial hai. So, monomial multiply with the binomial. Monomial multiply with the first term, first binomial. Again, minus plus ka minus. Monomial multiply with the second term, first binomial. Yeah, kali only binomial. ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है. माइनस 10 में से 3 जाएंगे माइनस का 7 और माइनस 15 में से 1 जाएगा सॉरी माइनस का 14 इक्वल टू 0. तो देखो माइनस 7x इक्वल 14. ये देखो ओटी नंबर माइनस 14 इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव 1. व्हाई? बिकॉज इट इज प्लेसिंग ऑन द नेक्स्ट हैंड. इसको प्लेस करना है. देखो x इज इक्वल 14 बाय दिस पहले भी माइनस टू आ रहा था. ओके नाउ ये वैल्यू को कई टीचर कहते कहीं भी रख दो. नो no, कहीं भी नहीं रख दो बिकॉज यू आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो यू विल ओनली कीप दिस वैल्यू हियर. यहां रखेंगे आप कहीं नहीं रखेंगे तो फिर उसका मतलब ही नहीं बन जाता. नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर 3 ओनली ओनली. तो ये y इज इक्वल टू अपन को 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू इनटू x की वैल्यू माइनस टू n प्लस 3. y की वैल्यू माइनस तो देयरफॉर अपन को x इज इक्वल टू माइनस टू अब क्या हो जैसे सब कुछ मैंने इसको यहाँ समझाया आपका वीडियो आपको बना दिया तैयार कर दिया. व्हेन आई विल रीच टू माय होम आई विल लोडेड इट आपका नाउ इन यूट्यूब यूट्यूब में तुरंत आप इसको देख लीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी. और उत्तरांचल में शायद सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने वाला मैं ही हूँ इंडिविजुअल भी और वैसे भी कई चैनल्स के साथ क्योंकि 9th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही पढ़ाता हूँ 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही पढ़ाता हूँ 11th को फिजिक्स सॉरी 11th को मैथ और 12th को मैथ में ही पढ़ रहा हूँ. आपसे पहले 12th का बेस्ट है इसलिए आपको घर जाकर के एक अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आया वही आप जो है इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं घर जाकर. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. यस सर. इट वाज योर सब्स्टिट्यूशन मैथ.